काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है वेलोसिटी के रिलेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे ही हमने रोटेशनल मोशन में भी पढ़ा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, वो इक्वेशन हम लिख के देखेंगे। जैसे जो जो क्वांटिटी लीनियर मोशन में होती है उसकी एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी रोटेशनल में भी होती है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का एक रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स एंगुलर फोर्स, जिसको टॉर्क कहते हैं, काम दोनों का एक ही है मोशन को स्टार्ट करना, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, लीनियर इनर्शिया जिसको मास कहते हैं, एंगुलर इनर्शिया दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से बिल्कुल वही क्वांटिटी उसमें भी होती है, ये फोर्स वाली क्वांटिटीज हो गई। उसके बाद हमने लीनियर मोशन में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो कितना वर्क करता है, या उसको रोटेशन कराने में हमको कितना वर्क करना पड़ता है, वो कैलकुलेशन हम लोग आज देखेंगे। और जो चीज रोटेट हो रही है उसकी पावर कितनी होती है और एनर्जी कितनी होती है, दिस विल स्टडी टुडे, वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। This is equal to force into displacement. Okay. अब हम इसको एंगुलर क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है, ये यहां पर था, थोड़ी देर बाद यहां चला गया, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, और ये क्या है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, x अपॉन r इज इक्वल टू थीटा, सो x इज इक्वल टू r थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फंडामेंटल हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में उसको हम यूज करते हैं। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको क्या लिखेंगे, r इनटू थीटा, और ये क्या है f, f इनटू r, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में कौन काम करता है, टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये जो फोर्स इनटू एस था ये क्या बन गया, टॉर्क इनटू थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, वन इन रोटेशनल मोशन, इसको नोट करिए। अब इस वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, जब ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती, एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है, पर अगर फोर्स चेंज होता है, जैसे स्प्रिंग को दबाते डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पर पहले फोर्स कम है फिर और ज्यादा, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाते, उसके लिए हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डन कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एस, ये फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है, इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा फॉर्मूला है कब यूज करना है, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, हर एस पर फोर्स की वैल्यू होती है। उसी तरह से टॉर्क लेते हैं, टॉर्क भी वेरिएबल हो सकता है। जब हम एक घड़ी को चाबी भरते तो शुरू में उसका स्प्रिंग लूज रहता है तो उस समय हमारा फोर्स कम लगता है, टॉर्क कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग टाइट होता जाएगा, खिलौने में चाबी भरते हैं उस तरह से, तो उस समय उसमें हमको ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो ये होता है वेरिएबल टॉर्क। अगर टॉर्क वेरिएबल होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डी दिस इज वर्क डन, दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट, सो डॉट प्रोडक्ट।
ये वर्क का फॉर्मूला हो गया. नाउ वी विल गो फॉर पावर. पावर ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, पावर का फॉर्मूला बताइए. लीनियर मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, एक है वर्क अपॉन टाइम, दूसरा बोलो फोर्स इनटू वेलोसिटी. करेक्ट. तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी वी, वी को फिर कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये हम लोग कर चुके हैं, दोनों को डिफरेंशिएट किया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया. तो वी को क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा. सो दिस विल बी एफ आर ओमेगा. नाउ फोर्स इनटू आर, ये क्या होता है? दिस इज टॉर्क, टॉर्क इनटू ओमेगा. This is power of a rotating object. Torque into omega. अगर हम इसको torque into theta या torque d theta करते हैं, इसकी unit क्या होगी? तो उसके लिए, चूंकि मैंने इसको बोला है, आप टॉर्क का यूनिट ढूंढ रहे हैं और थीटा का यूनिट ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके बनता क्या है? वर्क. और वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल. सो टॉर्क इनटू थीटा इज इक्वल टू जूल. सो व्हाट इज द यूनिट? जूल. पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट. सो टॉर्क इनटू ओमेगा क्या हो गया? वॉट. ओके, ये पावर है. तो पावर में रोटेशनल पावर में हमको ये दो चीजें बताई जाएंगी. अच्छा, इनके यूनिट मुझे अलग अलग बताएंगे. टॉर्क का यूनिट क्या होता है? एफ इंटू आर से बनाया हमने, न्यूटन मीटर. पावर टॉर्क इंटू ओमेगा, न्यूटन मीटर. ये करेक्ट है. ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड. ये टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, रोटेशनल मोशन में हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड. अच्छा ठीक है, हमको इसकी इतनी जरूरी नहीं है. मैं आपको एक सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब आप अलग अलग मोटरसाइकिल के कैटलॉग लेकर आते हैं, या एक मोटरसाइकिल में, एक कैटलॉग में अलग अलग टाइप के मोटरसाइकिल्स, कार, ये सब देखते हैं, और क्या सोचते हैं कि इनमें से ज्यादा पावर किसकी? क्या ज्यादा पावर? तो अब हमको पावर का, किस तरह से हम उसमें पावर देखेंगे, उसका देखने का तरीका देंगे. उसके पीछे लिखा रहता है, जब आप उसके पीछे देखेंगे तो उसमें पावर लिखा रहेगा, दैट दिस इंजन कैन गिव ए टॉर्क ऑफ 2000 न्यूटन मीटर एट से 1500 आरपीएम एट 1200 आरपीएम. दिस यार 12,000 आरपीएम. ये इंफॉर्मेशन एक पीछे लिखी रहती है, दैट दिस मोटरसाइकिल कैन गिव 2000 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 12,000 आरपीएम. दूसरा हमको देता है मोटरसाइकिल वाला 2400 न्यूटन मीटर एट 10,000 आरपीएम या 9,000 आरपीएम. टॉर्क, एक मोटरसाइकिल कितना टॉर्क देती है? 2000.
दूसरी मोटरसाइकिल कितना टॉर्क देती है 2400 किसकी पावर से ज्यादा। अब आप यहां चक्कर में पड़ जाते हैं, ये दोनों फोर्स तो बताते पावर नहीं बताते, और मोटरसाइकिल की स्पीड जब हमको बढ़ानी है 10 सेकंड में कितनी स्पीड आ जाएगी वो किस पर डिपेंड करता है, पावर। ठीक है, तो हमको पावर निकालनी है, तो पावर आप कैसे निकालेंगे याद रखिए, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ये क्या दिया है टॉर्क, और ये क्या दिया है ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू नहीं है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आरपीएम को पहले क्या बनाएंगे, आरपीएस राउंड पर सेकंड, तो 12,000 आरपीएम इसका राउंड पर सेकंड बनाइए, 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 200 आरपीएस, 200 आरपीएस। अभी ये क्या बना फ्रीक्वेंसी, अब इसके साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2 पाई इनटू न्यू, 2 पाई न्यू, दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा बनाने का तरीका आया। अच्छा, इसका ओमेगा बनाइए, 60 से डिवाइड करो कितना आया 150, और सामने क्या देना है 2 पाई, ये इसका ओमेगा। ठीक, अब आप उस पोजीशन में आ गए कि दोनों की पावर कंपेयर कर सकते हैं, इसकी पावर कैसे निकालेंगे, टॉर्क इनटू ओमेगा, इसका टॉर्क कितना है 2000, ओमेगा कितना है 200, 2000 इनटू 200 कितना हुआ 40,000, इसमें करिए 2400 मल्टीप्लाइड बाय 150, 2 पाई तो दोनों में है इसलिए उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहे। ठीक, तो 24 इनटू 15 दिस इज 20 इनटू 12 और ये है 24 इंटू 15 36 और ये कितना आया था 20 इंटू 12 240 पावर। हाँ जी, किसमें ज्यादा आ रही है, करके देखा हरी अब हरी अब, दिस इज 2000 टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय 200 इंटू 2 पाई, ये इसकी पावर। टॉर्क है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इनटू 150, 2 पाई इनटू 300, 24 3s are 72, 7.5 ये दोनों का कैलकुलेशन आया 8.5 × 10^5 एंड 7.25 × 10^5। तो किसकी पावर ज्यादा है, पहले वाले की पावर ज्यादा है 8π × 10^5। इस तरह से आप पावर निकाल सकते हैं टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ऐसे। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं एनर्जी इन ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट,
it has mass m, then its kinetic energy is half I omega square. और अगर एक से ज्यादा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो सब एनर्जीज आपस में जुड़ जाएंगी और सब जुड़ के क्या बना देंगी, सिग्मा. और ये हमको मालूम है सिग्मा आई, आई वन आई टू आई थ्री सब मिला के क्या हो जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. सो द फॉर्मूला अगेन कन्वर्ट्स टू आई ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जिस तरह से लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर, उस तरह से रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सेंटर ऑफ मास है, ये अपनी जगह पर है और ये लगातार
बाकी पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस तरह का जो मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल या सेंटर ऑफ मास या एनी अदर पार्टिकल ऑन द एक्सिस जो स्टेशनरी होगा और बाकी पार्टिकल सर्कल बना रहे हैं, ऐसे मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, ओके। ये है लीनियर मोशन और ये है प्योर रोटेशनल मोशन। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ के कहीं भी आगे पीछे नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट लगातार अपनी जगह छोड़ता जाएगा। ये अभी यहां है, एक सेकंड बाद यहां नहीं दिखेगा। ये किसमें होता है? लीनियर मोशन। इसको जब भी देखेंगे यही दिखेगा, पंखे जैसे घूम रहा है, ये इसकी शर्त है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज देखिए, ये एक व्हील है, ये व्हील ऐसे चलता है और यहां से यहां पहुंच गया, इसमें कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन? लीनियर, रोटेशनल। लीनियर मोशन की शर्त क्या है? सेंटर ऑफ मास विल हैव ये मोशन इन ए लाइन, सेंटर ऑफ मास हैज मोशन इन ए लाइन, देयरफॉर इट इज ए लीनियर मोशन। रोटेशनल का क्या है? इट विल कीप ऑन मेकिंग सर्कल्स, इट कीप ऑन मेकिंग सर्कल्स। तो ये क्या है? रोटेशनल। तो इसमें दोनों चीजें कंबाइन, इट हैज ए लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, व्हील का एग्जांपल है, मोटरसाइकिल का, कार का व्हील इस तरह से ग्राउंड पर चलता है। ये जो व्हील जब ऐसे चलता है, इस मोशन के लिए हमने एक अलग शब्द बनाया हुआ है, वी विल कॉल इट रोलिंग, दिस इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ये रोलिंग मोशन होता है। जब कोई चीज इस तरह से चल रही है, अब हम आते हैं इनके काइनेटिक एनर्जी पे। अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग ऑब्जेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आप लिखेंगे तीनों। अब हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट, उसको किस तरह से बनाएंगे। ये तीनों लिख लिया आपने, ओके। एक सैंपल नोट करिए, ए डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, ए डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर having mass 5 kg is used as a wheel and it is speeding or it is moving with a velocity of three meter per second. Calculate its energy.
calculate its kinetic energy. ओके जरा मुझे डाटा बताइए, मास कितना बताया गया? 5 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 3 m/s. ओके ये तीन चीजें आपके पास हैं और आपको क्या निकालना है? एनर्जी. ये बताइए कि इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी एनर्जी निकालनी है? कौन सी? रोलिंग. करेक्ट, रोलिंग. रोलिंग में दो क्वांटिटी है, हाफ एम बी स्क्वायर एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये दोनों आप कहां से लाएंगे? अच्छा, इसमें तो हमने आपको आर दिया. सपोज ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आर नहीं है, ये सिर्फ ये दो चीज है, क्या क्या? एम और वी, आर नहीं है. तो आप रोलिंग की एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसका तरीका समझिए. इसका मेथड ये है कि आई और ओमेगा, इसका आप कन्वर्शन करेंगे. किस तरह से कन्वर्ट होगा देखिए. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. ये कौन सी शेप है? डिस्क. ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ. हमको डाटा कौन सा दिया गया है? एम और वी वाला दिया है या आई और ओमेगा वाला दिया गया है? एम एंड वी. तो हम इसको आई और ओमेगा को ओमिट करके कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? शेप कौन सी है डिस्क? डिस्क के आई का फॉर्मूला लगा दीजिए. डिस्क का आई कितना होता है? तो आंसर है डिस्क का आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर. ये किसके बदले में आ गया? आई इंटू ओमेगा. ओमेगा और वी का आपस में क्या रिलेशन होता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और आप देखेंगे हमेशा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ 1/4 एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर. This is equal to 3/4 एम वी स्क्वायर. अब एम में एम की वैल्यू रखिए और वी में वी की वैल्यू रखिए. यू गॉट द आंसर. 3/4 इंटू 5 इंटू 3 × 3 = 9. दिस इज अवर आंसर. 135/4. ओके, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. तो हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को एम बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा, क्योंकि आई आएगा एम आर स्क्वायर में और ओमेगा आएगा वी अपॉन आर में. वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा और हमेशा हाफ एम बी स्क्वायर बचेगा. हाँ जी, हो गया. तो इसके बाद एक और ए स्फीयर इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ए हॉलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड विथ 50 rpm. With 50 rpm, its moment of inertia is 20 kg/m². 20 kg/m². Calculate
its kinetic energy. Calculate its kinetic energy. ये ऐसे रोल हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है. अभी हमको क्या क्या दिया गया इसका? How much is I? कितना दिया है? 20. Okay. How much was omega? 50 RPM. Yes, sir. 50 RPM. Okay. ये दो डाटा हमको दिए गए और हमसे पूछा जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना. अब आप देखिए, आपको N और V नहीं दिए गए. क्या दिया गया है? I और ओमेगा. तो फिर से ये ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा मोशन कर रहा है? लीनियर, रोटेशनल या रोलिंग? अगेन रोलिंग. अगर रोलिंग मोशन है तो ये इसकी एनर्जी. अब इस पे हमको एम वी स्क्वायर नहीं दिया गया, लेकिन आई और ओमेगा आपको मालूम है. तो अब ऐसा कन्वर्शन करिए कि एम और वी गायब हो जाए, इसकी जगह आई और ओमेगा आ जाए, यानी पिछले ऑपरेशन का उल्टा करना. किस तरह से करेंगे? बहुत आसान है, वैसे ही करेंगे. V को क्या लिखना है? वेरी गुड. तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर ओमेगा. अब एक छोटी सी चीज जो इस तरह के चीजों में लगेगी, ये शेप कौन सी है? होलोस्फीयर. होलोस्फीयर का आई किसके बराबर होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर ये होता है. तो ये बताइए कि ये अगर I की वैल्यू है तो M की वैल्यू कितनी होगी? M is equal to 1, how much? 3/2 I/R. ये इस M को उठाकर यहां आई ये, और V स्क्वायर को क्या लिखोगे? यस, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब देखो करके देखो, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे. पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया? आई और ओमेगा. इसी तरह से पिछले सैंपल में हमने क्या किया था? पूरा डाटा किसमें कन्वर्ट कर लिया था? एम वी स्क्वायर. तो अगर हमारे क्वेश्चन में एम और वी दिया है तो वैसा करेंगे, और अगर आई और ओमेगा दिया है तो ऐसे करेंगे. एम और वी को आई और ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे. अब इसके बाद यहाँ आई की वैल्यू रख देंगे और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. इस तरह से एक रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज ओके. 2500 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5/4 इंटू आई की वैल्यू रखते हैं 20 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 2500.
So this is 5, 25, 25, 6, 25. This is 62500 joules. इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। तो अगर सिर्फ आई और रिकर किया तब भी हो जाएगा, सिर्फ एमपी दिया है तब भी हो जाएगा। दोनों को आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिएगा, बीच में वैल्यू मत घुसाइए, तो बड़ा आसान चलेगा। जब लास्ट में जाके ये छोटा सा एक्सप्रेशन रह जाएगा तब जाके लास्ट में वैल्यू को रखिए, बीच में वैल्यू डाल देंगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये हो गया एनर्जी। यो-यो खेल आपने देखा है, ये खिलौना है और इसके साथ इस पर एक स्ट्रिंग को लपेट दिया गया है। यहां से हम इसको फिंगर से पकड़ लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ये नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन कि रोलिंग मोशन? रोलिंग। और किधर आ रहा है, नीचे। तो ये क्या चीज हो गया, रोलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। इसका हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अगर हम इस पुली को या इस योयो को यहां से ऐसे छोड़ देते हैं, अगर छोड़ देते हैं तो ये सीधा नीचे गिरता है लीनियर मोशन से, और इसका एक्सेलरेशन कितना होता है जी, यहां पर पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v1। दूसरे केस में हमने इसके साथ ये स्ट्रिंग को लपेटा हुआ है और फिर से इसको छोड़ दिया, इसको जब फ्री छोड़ दिया तो फिर ये नीचे गिरता है, यहां पर आ गया। अब जब ये यहां पर फाइनली ऐसे नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी होती है v2 और इसका एक्सीलरेशन है a2। अब आपको ये बताना है कि ये a2 a1 के बराबर है या a1 से कम है, ये वेलोसिटी v2 v1 से कम है या बराबर है, ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो आंसर है कि ये कम हो जाती है, ये वेलोसिटी कम है और ये एक्सेलरेशन भी जी से कम, जबकि हमने यहां पर इसको छोड़ दिया पूरा फ्रीली नीचे गिरने के लिए। लेकिन जब इसको फ्रीली छोड़ते हैं, इस पर फोर्स कितना काम करता है, एमजी। जब इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो इस पर एमजी तो नीचे काम करता है पर इसका टेंशन ऊपर काम करता है, वो थोड़ा सा उस फोर्स को कम कर देता है। फोर्स को कम करेगा तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम होता है। इसका दूसरा तरीका समझिए, ए दोनों की हाइट ग्राउंड से एच है, अगर एच हाइट है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, एम जी एच। इसके पास भी कितनी है, एम जी एच। दोनों के पास बराबर एनर्जी है। यहां पर जब ये पहुंचता है तो ये एनर्जी क्या बन गई है, हाफ एम जी स्क्वायर। ये जब यहां पर पहुंचता है तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, आंसर है ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रोल भी कर रहा है, ये जब यहां नीचे आता है तो ये रोल भी कर रहा है और नीचे भी गिर रहा है, तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, यस, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां ऊपर दोनों की क्वांटिटी बराबर थी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, ये काइनेटिक एनर्जी विथ वी। इसमें जो पूरी एनर्जी थी इसमें कुछ हिस्सा किसमें चला गया, घूमने में, और बाकी हिस्से ने क्या बनाया, v2। इसमें पूरी एनर्जी ने क्या बनाया था, v1। इसमें इस पूरी एनर्जी ने v2 बनाया क्या, नहीं, क्योंकि काफी एनर्जी किसमें चली गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन में चली गई, और बाकी का क्या बना, v2। तो ये वाली एनर्जी पूरी इसको मिली, नहीं मिली, कितनी मिली, कम।
यहां पर पूरी एनर्जी इसको मिलती है और यहां पर इसको कम एनर्जी मिलती है। तो अगर कम एनर्जी मिलेगी तो ये वेलोसिटी भी कैसी होगी, कम होगी, तो ये एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, कम होगा। इसलिए रोल करके जो चीज नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होता। दोनों आर्गुमेंट समझ में आ रहे हैं। एक आर्गुमेंट में हमने एनर्जी वाला आर्गुमेंट बताया कि कुछ एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर में खर्च हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी को कम एनर्जी मिलती है। दूसरा हमने क्या बताया, फोर्स में अंतर आ जाता है, इसमें टोटल फोर्स क्या लगता है, एमजी, जबकि इसमें इधर एमजी लग रहा है तो ऊपर स्प्रिंग का टेंशन भी लग रहा है, इसलिए इसका नेट फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। दोनों रीजन अपनी जगह ठीक है और इन दोनों के कारण हम समझ सकते हैं कि रोल होने का जो चीज नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब हम ये देखेंगे कि जिस केस में रोलिंग इन्वॉल्व होती है उस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है। एंड वी विल टेक इंडियन एग्जांपल, योयो बाहर का एग्जांपल है। इंडियन एग्जांपल देखिए, एक कुएं के ऊपर एक पुली लगी है, इस पुली का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट अस से देयर इज अ पुली व्हिच हैज सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। इसके साथ हमने यहां पर स्ट्रिंग को लपेटा है और स्ट्रिंग लपेटने के बाद यहां पर एक बकेट रखा दी, एक मास रखा दिया, दिस इज m। दिस पुली इज फ्री टू मूव, दिस इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस, नो नॉट मासलेस, इट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया i एंड इट हैज सर्टेन रेडियस r। ओके, नाउ दिस इज फॉलिंग डाउन। जब ये नीचे गिरेगा तो ये पुली क्या करेगी, रोल करेगी, राइट। अब हमको ये निकालना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। स्टोरी समझ में आ रही है, सिचुएशन। अगर हम इसको ऐसे ही नीचे गिराते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये कितने एक्सीलरेशन से गिरता जी, लेकिन हमने अब इसको नीचे गिरा दिया, अभी भी फ्रीली गिरा दिया, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरता है ये भी घूमती है और ये रोलिंग बीच में आ गई। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां जो एनर्जी एमजीएच से ही नीचे आ रहा था, अभी कुछ एनर्जी कहां यूज हो रही है, इसको रोलिंग में, तो जरूर ये कम हो गया होगा। इसको कैसे निकालना है, इसके स्टेप्स देखिए और इनको याद रखिए। सबसे पहले हमने चूंकि एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए उस क्वांटिटी को हम मान लेते हैं, लेट इट बी फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है देन वी कैन मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम हियर। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमको क्या देता है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। सोचिए अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है तो इसका नेट फोर्स कितना है, तो आंसर है इसका नेट फोर्स है एम ए, नो एम ए, ए एम मास की बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है तो नेट फोर्स कितना होगा, एम इंटू ए। अब ये नेट फोर्स आया कहां से, कैसे आता है, ये दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, किस किसका रिजल्टेंट, ये हमको सोचना है। अब बताइए इस पर कौन कौन से एक्चुअल फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसका नेट फोर्स कितना आया एम ए, तो एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ड्यू टू अर्थ, दूसरा फोर्स टेंशन, और तीसरा फोर्स हमको वर्टिकल डायरेक्शन में समझ में नहीं आता है। सो दीज आर दी टू फोर्सेस जिनका एक रिजल्टेंट बनेगा और वो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया m into a। तो इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, नीचे, इसका मतलब कौन बड़ा है, mg, तो रिजल्टेंट कितना होगा, mg minus t, this is the resultant force given by m। इसको हमने एक इक्वेशन बना के रख लिया, अगर हम चाहें तो इसमें a की वैल्यू निकाल सकते हैं, m को इधर कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसको नापने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता,
इसलिए हम उस फॉर्मूला को यूज नहीं करते। ओके, तो क्या करेंगे? पहला स्टेप याद रखिए, हमेशा आपको एमए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये इक्वेशन बनाना है, और टारगेट क्या रखना है? टी का कैंसिलेशन। ठीक है, टी को किस तरह से हमने ओमिट करना है, उसके लिए हम एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। ये टी इधर लग रहा है, यहां पर टी की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ। टी ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर। तो सेकंड स्टेप याद रखिए, वी विल कैलकुलेट टॉर्क ऑन पुली, टॉर्क ऑन पुली योयो होगा, तो टॉर्क ऑन योयो। टॉर्क कैसे निकाला जाता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? टी इंटू आर। ये समझ आया सबको? अच्छा, टॉर्क का और कोई फॉर्मूला याद है आपको? टॉर्क का एंगुलर, यस, कितना? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। याद आया? जिस तरह से फोर्स क्या होता है? इनर्शिया मास इंटू ए एक्सीलरेशन एम ए, उसी तरह से टॉर्क क्या होता है? आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। उस फॉर्मूला को भी हम यहां पर लिखते हैं। तो टी आर और यही टॉर्क किसके बराबर है? आई इंटू अल्फा। ये वाला स्टेप आपको याद रखना चाहिए, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये दोनों हो गए। ओके, अगर ये दोनों आ गए तो आप यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, टी इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर। अब अल्फा इसको भी हम नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट नो अल्फा। तो अल्फा को आप ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का यहां पर अल्फा है, तो इसका लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा? इसका लीनियर एक्सीलरेशन ए है, तो ए और अल्फा एक्सीलरेशन ए हर जगह पर ए है, तो इसका भी ए है। तो ए और अल्फा का क्या रिलेशन होता है? ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर हुआ? ए अपॉन आर। तो यहां पर हमने लिख दिया ए अपॉन आर, सो दिस इज आई इंटू ए अपॉन आर एंड आर आर स्क्वायर। सो टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज सेकंड। अब सेकंड में ये जो टी की वैल्यू है उसको फर्स्ट में रख दी। So this is mg minus ia upon r square is equal to m into a। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? a की। a वाली टर्म से एक तरफ कर देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m a plus ia upon r square is equal to mg। दोनों तरफ m से डिवाइड कर देते हैं, m से डिवाइड किया, तो ये बना a प्लस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू g। इन दोनों में से ए को कॉमन निकाल लिया, वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। सो ए इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन ए एक्सेलरेशन का, जिसमें आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुलिंग,
एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। एम क्या है? मास। कहां पर? ये सस्पेंडेड मास, ये एम है। और रेडियस, इसका रेडियस, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके एक्सेलरेशन का है। इन केस ऑफ योयो, योयो के केस में जो चीज नीचे गिरती है वो खुद क्या होती है? पुली। पुली मतलब योयो, वो खुद नीचे गिरता है। तो एम किसका होगा? योयो का एम होगा। जब योयो का एम है और योयो का ही आर है तो एम आर स्क्वायर उसका क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन योयो एक डिस्क है, रिंग नहीं है। रिंग होने से एम आर स्क्वायर होता है और डिस्क होने से हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो योयो के केस में एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। क्यों? आई किसके बराबर होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2i। अगर यहां हम 2i रखेंगे तो a कितना हो जाएगा? g अपॉन 1 प्लस i अपॉन 2i। This is equal to G upon II is cancelled. This is 2 plus 1. This is 3 by 2. और ये आ गया 2 upon 3 G. तो जब हम ऐसे योयो को नीचे छोड़ते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 2 upon 3 G. तो यहां पर ये कैलिब्रेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली एग्जाम में हमको ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन द मास एम इज सस्पेंडेड थ्रू ए पुली विच हैज रेडियस इक्वल टू आर और विच हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो हमारा आंसर ये आएगा। और इसी को हमने किसमें अप्लाई कर दिया? योयो के केस में अप्लाई कर दिया। तब एम योयो का ही हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 2i 2/3g। राइट तो अगर योयो को हम बिना रोलिंग किए छोड़ देते तो कितने एक्सेलरेशन से गिरता? जी। और रोल करते हुए गिरता है तो 2/3 g। सॉल्व हुआ ये? ओके। अब इसके बाद हम एक अगली कैलकुलेशन ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी कैलकुलेशन से ही हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। दैट विल बी प्रोबेबली लास्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर। So, here we have one object which is rolling down inclined and we have to find out acceleration, acceleration due to rolling object under gravity on an incline. मान लीजिए इस incline का angle theta है। फिर से हम लोग वही process शुरू करते हैं। यहां पर फ्रिक्शन लगता है इस पॉइंट पर। फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होता है? जहां कॉन्टेक्ट होता है। इसका रेडियस आर के बराबर। ओके, तो ये आर रेडियस है, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये टॉर्क कितना बनाएगा? फ्रिक्शन इंटू आर। ये जो नीचे ऐसे रोल हो रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। ये ऑब्जेक्ट ये, और इधर इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? ए। ओके, इसका मास एम। अब शुरू करते हैं और बिल्कुल वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। आप एक को याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। तो यहां पर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में एम ए इज द नेट फोर्स,
ओके ये किस किस से बनेगा, ये नेट फोर्स किससे बना हमको मालूम है, अगर इसका मास m है तो यहां नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करता है mg, इस mg के दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होता है mg sin थीटा और ये कंपोनेंट कितना होता है mg cos। तो एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ इंक्लाइन में डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है mg sin थीटा, इसको अपोज कौन कर रहा है फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स कितना हुआ mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स है। इस नेट फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है कितनी एक्सेलरेशन से a, तो नेट फोर्स की कैलकुलेशन क्या हुई m into a। लेकिन नेट फोर्स की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट, एक्चुअल फोर्सेस कौन से है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दिस गिव्स अस रिजल्टेंट फोर्स दैट इज नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला ऐसा बना। ओके अब इसमें हमने इस फ्रिक्शन को गायब करना है, जैसे उसमें हमने टी को किया। दूसरा स्टेप क्या था उसमें, टॉर्क निकालना, इसमें भी हम टॉर्क निकालते, टॉर्क टॉर्क दो मेथड से निकालना है। यहां पर देखिए फोर्स कौन सा लगता है फ्रिक्शन, और ये परपेंडिकुलर कितना है आर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ आर इनटू फ्रिक्शन, और रोटेशनल पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई इनटू अल्फा, आई इनटू अल्फा। ओके इससे हमने फ्रिक्शन को आइसोलेट कर लिया, फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई, ये आर नीचे आएगा और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन आर, तो ये हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वेशन वन पे रख देते हैं, सो दिस इज एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आई ए अपॉन आर स्क्वायर को इधर ले आइए, सो दिस विल बिकम एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बी एम एम, और यहां पर इसको डिवाइड किया तो एम आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल दिया, सो दिस विल बी वन प्लस a ना a तो 1 प्लस i अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू g साइन थीटा। ओके ये आ गया g साइन थीटा। एक्सेलरेशन आया डाउन द इंक्लाइन, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें m क्या है मास ऑफ दैट बॉडी व्हिच इज रोलिंग डाउन, r क्या है उसी का रेडियस, लेकिन mr स्क्वायर को हम i क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी शेप के कारण हर बॉडी का mr स्क्वायर i के बराबर नहीं होता। जैसे डिस्क है तो I is equal to half mr square, अगर sphere है तो I is equal to 2 upon 3, solid sphere है तो 2 upon 5, समझ आया? ओके, यहां तक बन गया सबका। अब इसके बाद एक छोटा सा numerical लिखिए, which is very common और बहुत पूछा जाता है, लिखिए three bodies, a ring, a disc and a hollow sphere, ring, disc and hollow sphere of the same mass and same radius
are rolling down, without slipping, Full stop. What will be their order of acceleration? Means which will have most acceleration, less value and least value. ये आपको तीनों 1, 2, 3 करके बताना है. चलो शुरू करिए. तो acceleration के formula से ही start करेंगे आप. ये acceleration का formula. बहुत छोटा सा सम है. हम लोग नॉर्मली इसको ओरल करते हैं. पहली शेप क्या है? रिंग. अच्छा देखिए आपको कहां से करना है. ये क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आप ओरल करेंगे इसको. रिंग का आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर. रखो कितना हो गया ये? 1, 1 प्लस 1, 2. तो ए फॉर रिंग कितना आया? हाफ. करेक्ट. समझ आ गया. अब डिस्क के लिए आई कितना रखोगे? हाफ एम आर स्क्वायर कैंसल. यहां क्या बचा? हाफ. 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2. 3 बाई 2 उल्टा कर दो कितना होगा? 2 बाई 3. जी साइन थीटा वैसा ही रहेगा. ये किसका एक्सेलरेशन है? दिस. ओके नाउ एक्सेलरेशन फॉर हॉलोस्फीयर. हॉलोस्फीयर का आई कितना होता है? हॉलो 2 अपॉन 3 एम आर स्क्वेयर. तो यहां 2 अपॉन 3 करोगे अब कितना आ गया? 3 के एक्सेलरेशन निकाल. बस कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है. और हमने कंपेयर करना है. अगर कंपेयर करना है बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है? यही प्रॉब्लम होता है क्लास 11th पे. क्लास 8th का आप सब भूल गए. हाफ बड़ा है कि 2/3 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है? आप बड़ा है. ठीक है उसको पहले लिख देता हूं. उससे छोटा कौन सा है? अच्छा हाफ से 2/3 छोटा होता है. अब 3/5 को आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. ओके किसी को मेथड याद है? नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे 2 तरह के मेथड से करते. नंबर 1 हर एक को डेसिमल में कन्वर्ट करते. That is one shortcut. तीसरा LCM निकाल के कॉमन LCM कर दो तो भी पता लग जाएगा. तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, 0.67, 0.68. समझ में आ गया? This is the, ये बड़ा छोटा तरीका है. या फिर हम ये करेंगे कि LCM तीनों का निकाल लिया 30. अगर 30 एलसीएम निकाला तो ये कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 2 15. और इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 20/3. इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 18 अपॉन 30. 15 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 18 अपॉन 30. या अपॉन 30 को छोड़ दीजिए वो ले लिया. सॉरी दिस 15 20 18. सीरियल फिक्स हुआ. सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका? डिस्क का. उससे कम स्फीयर का. सबसे कम. ठीक है दिस इज हाउ यू कैलकुलेट.
राइट। वैसे हमने ये वाली चीज, अगर हमको ये वन मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम इसको इससे सॉल्व नहीं करते, हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, अगर हमने तीन ऑब्जेक्ट को मूव करके छोड़ दिया तो कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट जाएगा? आंसर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। तीनों को स्टार्ट किससे किया? रेस्ट से। तो तीनों रेस्ट पे रहना चाहते हैं, कौन रेस्ट पे रहने में सक्सेसफुल होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और ज्यादा किसका होता है? रिंग का, इसलिए वो सबसे स्लो होगा। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? डिस्क का, इसलिए वो सबसे फास्ट। लेकिन एक्सीलरेशन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस क्लोजेस अवर रोटेशनल मोशन ऑल थ्योरेटिकल पार्ट। वन क्लास वी विल टेक फॉर न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास।